गाइस मेरे को बता कि सितंबर मंथ की इलीट पास डिस्काउंट में मिलेगा और आपको भी बता कि सितंबर मंथ की इलीट पास डिस्काउंट में मिलेगा। बढ़ते हुए अभी ना सारे बंदे डेट को चेंज करके इलीट पास ले रहे हैं, तो भाई आप लोग बोलोगे कि इससे क्या होगा, ये तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी करके बता रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो आप में से बहुत सारे बंदे ने डेट को चेंज करके इलीट पास लिया होगा और आपने जिसका भी वीडियो देख के टाइम और डेट को चेंज करके इलीट पास लिया है तो वो यूट्यूबर ने आपसे बताया कि इसमें कोई सा भी आईडी वगैरह कुछ बैन नहीं होगा। ठीक है, चलो वो बात सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, मेरे को पता कि 26 या फिर 27 सितंबर के दिन इलाइट पर डिस्काउंट में देखने को मिलेगा और आपसे को मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि 26 या फिर 27 सितंबर के दिन हमसे को इलाइट पर डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा तो और एक या दो दिन के बाद हमारे इंडियन सर्वर के अंदर इलाइट पर डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे इंडियन सर्वर के अंदर इलाइट पर डिस्काउंट इवेंट का कोई भी इवेंट अभी तक नहीं आया है, तो आप में से काफी सारे बंदे ने डेट और टाइम को चेंज करके इलाइट पास लिया होगा। बट गाइस देखो ये ना कानून के खिलाफ है, मतलब कि फ्री फायर के खिलाफ है, क्योंकि डिस्काउंट इवेंट अभी तक आया नहीं तो आप लोग उसे कैसे ले सकते हो। तो भाई आप लोग ने 24-25 दिन वेट किया है तो और एक दिन वेट करने में क्या जाता है आपका। तो ऐसा अगर ग्लिच करोगे आप लोग, अगर गनीना आपका आईडी बैन कर देता है तो फिर आप लोग फ्री फायर को बुरा भला बोलोगे और बोलोगे आप लोग बिना रीजन से मेरा आईडी बैन हो गया। माना कि आप लोग को काफी सारे यूट्यूबर ने बताया कि डेट और टाइम चेंज करने से कोई भी आईडी वगैरह बैन नहीं होगा, बट गाइस आप लोग थोड़ा सा सोच के देखो, अभी तक इवेंट आया नहीं तो वो इवेंट को आप लोग कैसे खोल सकते हो, तो इससे आपके आईडी के ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा ग्लिच वगैरह मत यूज करो, क्योंकि देखो गाइस इलाइट पास तो आने वाला है, मतलब कि एक या दो दिन वेट करने से आपका क्या जाता है, आपको तो इलाइट पर डिस्काउंट में मिलेगा ना, तो आप लोग ग्लिच यूज करने का क्या जरूरत है। तो आप लोग ग्लिच बोलो या फिर इवेंट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन मैं ग्लिच बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस अगर गेम के अंदर कुछ ग्लिच होता ना तो गरीना फ्री फायर की गलती है, जैसे कि अपना ब्लू प्रिंट हमसे को मिल रहा था अनलिमिटेड, तो हम लोग किसी तरह से ग्लिच यूज नहीं किए थे फिर भी हमसे को मिला। तो अभी जो आप लोग इलाइट पास ले रहे हो तो आप लोग डेट और टाइम चेंज करके ले रहे हो, तो इससे आपका आईडी के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ग्लिच वगैरह मत यूज करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका अच्छा खासा आईडी बैन भी हो सकता है। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखते हो और कहीं पर भी कुछ ग्लिच वगैरह कुछ निकल के आए ना तो मैं आपको बताऊंगा ना, जिससे आपका आईडी के ऊपर कोई भी खतरा ना हो। तो देखो और एक बात आपसे को फिर से बोलना चाहूंगा कि ये इलाइट पास था हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 26 या फिर 27 सितंबर के दिन आने वाला था, तो इतनी भी जल्दी क्या था आपको डिस्काउंट में लेने का। तो यही वर्ड को मैंने 3-4 बार बोल दिया है, तो चलो यार कोई ना, आप लोग अगर ने डेट और टाइम चेंज करके इलाइट पास डिस्काउंट में लिया है ना तो कोई ना आपका आईडी वगैरह कुछ बैन नहीं होगा, और आपने अगर नहीं भी लिया ना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके आईडी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं होगा और आप लोग और एक दिन वेट कर लो फिर आपसे कोई इलाइट पास डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे कमेंट करके बताना आप लोग डेट और टाइम चेंज करके इलाइट पास डिस्काउंट में लिया है या फिर नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।